हेलो लर्नर्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सेकंड सेशन में आज हम पढ़ेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस वॉलंटरी गाइडलाइंस 2009। उससे पहले हम फिर से देख लेते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होती है। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज ए सिस्टम ऑफ रूल्स, प्रैक्टिसेस एंड प्रोसेस बाय विच अ कंपनी इज डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड। एंड सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज ए बेसिक इंग्रीडियंट ऑफ अ हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन, हेल्दी कंपनी। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस वॉलंटरी गाइडलाइंस 2009 क्या है, अब हम ये देखते हैं। आफ्टर द स्कैम्स ऑफ सत्यम कंप्यूटर्स एंड नागार्जुना फाइनेंस, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द कॉर्पोरेट गवर्नेंस वॉलंटरी गाइडलाइंस 2009। सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने 2009 में कॉर्पोरेट गवर्नेंस गाइडलाइंस जो थी वो इशू की थी। These guidelines set out a number of measures with a view to enhance corporate governance standards in India. These guidelines provide for a set of good practices which may be voluntarily adopted by the public companies. So, ये जो guidelines हैं, ये good practices के बारे में बताती है, company की good practices के बारे में बताती है, and public companies जो है, इसको voluntarily जो है वो adopt कर सकती है। Private company जो है, जो specially जो bigger one private companies हैं, they can also adopt these guidelines. The guidelines are not intended to be a substitute for or addition to the existing law, but are recommendatory in nature. So ye jo guidelines hai, ye na to jo company act 2013 hai uska substitute hai, aur na hi koi addition hai company act 2013 mein, but these are recommendatory in nature. To ye company to company depend karta hai ki wo इन गाइडलाइंस को फॉलो करेगी, करती है या नहीं करती। बट फॉर द गुड गवर्नेंस, फॉर द गुड ऑर्गेनाइजेशन, जनरली ये होप की जाती है कि कंपनी जो है, कंपनीज जो है, इन गाइडलाइंस को फॉलो करें। द इंडियन कंपनीज वुड बी इन बेटर पोजीशन टू इन्हांस नॉट ओनली द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एंटरप्राइजेस बट ऑल्सो द वैल्यू फॉर एवरी स्टेक होल्डर हु हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द सक्सेस ऑफ द एंटरप्राइजेस, एंड वाइल डूइंग सो इट वुड बी सेटिंग द ग्लोबल बेंचमार्क फॉर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सो जो इंडियन कंपनीज जो इन गाइडलाइंस को फॉलो करती है, वो एक तो अपनी जो एंटरप्राइज है, अपनी कंपनी है, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू को बढ़ाती है, और दूसरी साथ साथ में जो स्टेक होल्डर्स होते हैं कंपनी के, उनकी वैल्यू में भी, उनकी वैल्यू को भी ये इंक्रीज करते हैं। सो ये गाइडलाइंस क्या क्या चीज़ें कवर करती है, इसको देख लेते हैं। सो अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट कैसे होगी इस गाइडलाइंस में दिया गया है। देन क्लैरिफाइंग देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फिक्सिंग अप्रोप्रिएट रेमुनेशन फॉर देम, उनकी क्या रोल्स होंगे, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। इसके अलावा उनका रेमुनरेशन जो है वो कैसे फिक्स किया जाएगा, ये भी इन गाइडलाइंस में बताया गया है। देन रिफॉर्मिंग द ऑडिट प्रोसेस बाय क्रिस्टलाइजिंग द रोल्स ऑफ द ऑडिट कमेटी एंड द ऑडिटर्स, ऑडिट कमेटी एंड ऑडिटर्स के रोल को भी इस गाइडलाइंस में क्लियर किया गया है। देन सर्टन इंसिडेंटल मैटर सच एज सेक्रेटेरियल ऑडिट एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ अ मैकेनिज्म फॉर विसल ब्लोइंग, इसके अलावा जो सेक्रेटेरियल ऑडिट क्या होती है, इसके लिए क्या गाइडलाइंस, इस ये कैसे परफॉर्म की जाती है, और इसके अलावा विसल ब्लोइंग जो मैकेनिज्म है उसके बारे में भी ये गाइडलाइंस, इस गाइडलाइंस में बताया गया है। प्रोविजन्स ऑफ गाइडलाइंस, सो ये जो गाइडलाइंस है ये तीन कैटेगरीज में डिवाइड की गई है। तो फर्स्ट वन इज बोर्ड स्ट्रक्चर एंड डायरेक्टरशिप मैटर्स, सेकेंड इज ऑडिट मैटर्स, एंड थर्ड वन इज अदर इंसिडेंटल मैटर्स। सो बोर्ड स्ट्रक्चर एंड डायरेक्टरशिप मैटर्स में हम कवर करेंगे बोर्ड अपॉइंटमेंट्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, रेमुनरेशन। ऑडिट मैटर्स में ये गाइडलाइंस कवर करेगी ऑडिट कमेटी एंड ऑडिटर्स। देन अदर इंसिडेंटल मैटर्स में सेक्रेटेरियल ऑडिट एंड विसल ब्लोइंग। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बोर्ड स्ट्रक्चर एंड डायरेक्टरशिप मैटर्स। इसमें आता है सबसे पहले बोर्ड अपॉइंटमेंट। बोर्ड अपॉइंटमेंट, बोर्ड से मतलब है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो बोर्ड अपॉइंटमेंट्स में इशुएंस ऑफ फॉर्मल लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट अलॉन्ग विद द टर्म्स अपॉइंटमेंट टू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सो इस गाइडलाइंस में ये क्लियर किया गया है कि जब भी किसी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट हो, तो अपॉइंटमेंट के टाइम उनको एक लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट इशू किया जाए।
जिस उस लेटर में टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो भी मेंशन की जाए. देन दीज लेटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट आर सजेस्टेड टू बी डिस्क्लोज टू शेयर होल्डर्स एट द टाइम ऑफ रेटिफिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट टू मेक द अपॉइंटमेंट प्रोसेस ट्रांसपेरेंट. फर्दर इस गाइडलाइंस में कहा गया है कि ये जो लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट है जो इशू किया गया है इन डायरेक्टर्स को, ये जो है वो शेयर होल्डर को भी डिस्क्लोज किया जाए. देन द लेटर्स में ऑल्सो बी प्लेस्ड ऑन ए कंपनी वेबसाइट एंड और द स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट. इसी के साथ ये जो लेटर है ये कंपनी अपनी वेबसाइट या और स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट पे भी शो करे. तो ये गाइडलाइंस दी गई है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में. इसके अलावा फर्दर टू प्रिवेंट अनफेटर्ड डिसीजन मेकिंग पावर्स टू अ सिंगल इंडिविजुअल और सेट ऑफ प्रमोटर्स, इट रिकमेंड्स क्लियर डिमार्केशन ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चेयरमैन एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO. फर्दर इस गाइडलाइंस में मैंशन किया गया है कि जो कंपनी की डिसीजन मेकिंग पावर है वो किसी एक इंडिविजुअल या सेट ऑफ प्रमोटर्स के हाथ में के हाथों में आने से पहले ये क्लियर होना चाहिए कि चेयरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी और मैनेजिंग डायरेक्टर या CEO जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी. तो ये क्लियर होना चाहिए कि इन लोगों की क्या इनके क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगे. अ चेयरमैन ऑफ ए कंपनी प्रिजाइड्स ओवर द बोर्ड मीटिंग्स, ही हैज अ कास्टिंग वोटिंग इन डिसीजन ऑफ द बोर्ड, वेयर एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और MD इज इन चार्ज ऑफ डे टू डे फंक्शनिंग एंड द मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी. बोथ द पोजिशन आर सीनियर एंड हेल्प्स टू प्रोवाइड अ चेक विद इन द टॉप लेवल मैनेजमेंट. सो कंपनी का जो चेयरमैन है और जो कंपनी के CEO और MD है उनकी जो वर्किंग है उसको क्लियर किया गया है इसमें कि जो CEO है और जो MD होते हैं कंपनी की, वो कंपनी के डे टू डे जो फंक्शनिंग होते हैं उनके इंचार्ज होते हैं और जो चेयरमैन होता है वो कंपनी की बोर्ड मीटिंग को जो है प्रिसाइड करता है और जो डिसीजंस होते हैं कंपनी के वो लेता है. हाउएवर इन अ नंबर ऑफ इंडियन कंपनीज द पोजिशंस ऑफ चेयरमैन एंड CEO इज इंजॉयड बाय सेम इंडिविजुअल, रिजल्टिंग इन अनफेटर्ड डिसीजन मेकिंग पावर विद अ सिंगल इंडिविजुअल. नंबर ऑफ इंडियन कंपनीज, कई सारी इंडियन कंपनीज है जिसमें चेयरमैन और CEO का जो है वो सेम रोल होता है, जिसके कारण जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है कंपनी की वो किसी एक पर्सन के हाथ में आ जाती है. तो इस चीज़ को रोकने के लिए इन गाइडलाइंस में ये डिमार्केशन दी गई है कि CEO की और या फिर जिसको हम मैनेजिंग डायरेक्टर कहते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर होनी चाहिए और कंपनी का जो चेयरमैन है उसकी रोल एंड उसके क्या रोल उसका क्या रोल होगा और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी वो फिक्स होनी चाहिए. देन आते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? सो द एट्रीब्यूट्स फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स शुड बी इंटीग्रिटी, एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज, फोरसाइट, मैनेजीरियल क्वालिटीज एंड अबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सो ये गाइडलाइंस में मेंशन किया गया है कि क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स में. The independent director should provide a certificate of independence at the time of appointment and thereafter annually. So, independent जो director है उसको certificate of independence जो है वो issue किया जाना चाहिए at the time of appointment. Tenure of the independent director which is proposed to for not more than 6 years. So, board of directors में जो independent directors होते हैं उनकी appointment जो है वो 6 साल से, उनका टेन्योर जो होता है वो 6 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता. नेक्स्ट है रेमुनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स. अब हम देखते हैं कि इन गाइडलाइंस में डायरेक्टर्स की रेमुनरेशन को लेकर क्या बताया गया है. दो देयर आर लीगल प्रोविजन सेट टू गवर्न मैनेजीरियल रेमुनरेशन, देयर इज मोर डिसिप्लिन रिक्वायर थ्रू दीज गाइडलाइंस विच सजेस्टेड टू क्लियरली ले डाउन एंड डिस्क्लोज रेमुनरेशन पॉलिसी फॉर द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड एंड की एग्जीक्यूटिव्स. सो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के लिए क्या गाइडलाइंस है? द कंपनी शुड पे इधर अ फिक्स्ड कॉन्ट्रेक्चुअल रेमुनरेशन टू इट्स नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एन अप्रोप्रिएट परसेंट ऑफ द नेट प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी. तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को या तो कंपनी एक फिक्स्ड जो रेमुनरेशन है वो पे करे या फिर नेट प्रॉफिट का परसेंटेज उसके लिए फिक्स किया जाए.
इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए क्या गाइडलाइंस है? वेयर एज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स शुड बी पेड एडिक्वेट सिटिंग फीस नॉट स्टॉक ऑप्शंस विच मे बी डिपेंड अपॉन द ट्विन क्राइटेरिया ऑफ नेटवर्थ एंड टर्न ओवर ऑफ कंपनीज. देन उसके बाद है कि जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं उनके को उनका रेमुनरेशन कैसे फिक्स किया जाए. तो उनके लिए गाइडलाइंस में कहा गया है द कंपनी शुड फॉर्म अ रेमुनरेशन कमेटी फॉर डिटर्मिनिंग द रेमुनरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन इंक्लूडिंग कंपनसेशन पेमेंट्स. सो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के लिए इन गाइडलाइंस में रेमुनरेशन कमेटी बनाने का सजेशंस है. द रेमुनरेशन कमेटी शुड कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 3 मेंबर्स, मेजॉरिटी बीइंग नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स विद एटलीस्ट 1 बीइंग एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. सो ये जो रेमुनरेशन कमेटी बनेगी इसमें कम से कम 3 मेंबर्स होने चाहिए और जो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स होंगे वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होंगे और इनमें एटलीस्ट एक जो मेंबर होगा वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए. तो ये जो रेमुनरेशन कमेटी बनेगी ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का रेमुनरेशन जो है वो डिसाइड करेगी. नेक्स्ट आ जाते हैं ऑडिट मैटर्स. अब हम देखते हैं कि इन गाइडलाइंस में ये जो गाइडलाइंस है वॉलंटरी गाइडलाइंस 2009 इसमें ऑडिट को लेकर क्या क्या बताया गया है. तो सबसे पहले है ऑडिट कमेटी. कंपनी एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 292A में कहा गया है कि जो जिन कंपनी की पेड अप कैपिटल 5 करोड़ से कम नहीं है वो ऑडिट उनमें एक ऑडिट कमेटी बनेगी टू इंश्योर द कंप्लायंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स ऑफ द कंपनी. लिस्टिंग एग्रीमेंट हैज आल्सो प्रोविजंस फॉर ऑडिट कमेटी विच इज एप्लीकेबल टू द लिस्टेड कंपनीज. सो सेबी का जो आर्टिकल 49 है उसमें भी ऑडिट कमेटी का प्रोविजन है. इन गाइडलाइंस में भी ऑडिट कमेटी को लेके कुछ सजेशंस दी गई है. सो दीज द गाइडलाइंस ऑल्सो सजेस्ट दैट द कंपनीज शुड हैव एटलीस्ट अ 3 मेंबर ऑफ ऑडिट कमेटी विद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द मेजोरिटी. तो जो कमेटी बनेगी, ऑडिट कमेटी बनेगी, उसके जो मेंबर्स की कंपोजिशन क्या रहेगी वो इन गाइडलाइंस में क्लियर किया गया है. तो इन गाइडलाइंस में बताया गया है कि ये जो ऑडिट कमेटी बनेगी इसमें एटलीस्ट 3 मेंबर होने चाहिए और जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे वो मेजोरिटी में होंगे. द चेयरमैन ऑफ सच कमेटी शुड बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. और इस कमेटी का जो चेयरमैन होगा वो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा. ऑल द मेंबर्स ऑफ ऑडिट कमेटी शुड हैव नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑडिट और अकाउंट्स. जितने भी मेंबर बनेंगे ऑडिट कमेटी में उनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑडिट और अकाउंट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. अब हम देखते हैं कि ये जो ऑडिट कमेटी है इसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो द ऑडिट कमेटी शुड हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मॉनिटर द इंटीग्रिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी, रिव्यू द कंपनीज इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट फंक्शन एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, मेक रिकमेंडेशंस इन रिलेशन टू द अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटर, एंड टू अप्रूव द रेम्यूनरेशन एंड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटर, रिव्यू एंड मोनिटर द एक्सटर्नल ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑडिट प्रोसेस, मोनिटर एंड अप्रूव ऑल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग एनी मोडिफिकेशन अमेंडमेंट इन एनी सच ट्रांजेक्शन. तो ये जो है सारी जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होंगी वो ऑडिट कमेटी की होगी. नेक्स्ट है ऑडिटर्स. अब हम देखते हैं कि इन गाइडलाइंस में ऑडिटर्स को लेके क्या बताया गया है, क्या सजेस्ट किया गया है. द कॉर्पोरेट गवर्नेंस वॉलंटरी गाइडलाइंस सजेस्ट अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स शुड बी रेफर्ड बाय द ऑडिट कमेटी. जो भी ऑडिटर्स अपॉइंट किए जाएंगे वो ऑडिट कमेटी के द्वारा रेफर किए जाने होंगे. एवरी कंपनी शुड ऑब्टेन ए सर्टिफिकेट ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ऑडिटर सर्टिफाइंग हिज इट्स इंडिपेंडेंस एंड आर्म्स लेंथ रिलेशनशिप विद द क्लाइंट कंपनी. जो भी कंपनी एवरी कंपनी शुड ऑब्टेन ए सर्टिफिकेट ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ऑडिटर कि जो कंपनी है वो इन ऑडिटर से एक सर्टिफिकेट ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो लेगी. इसमें जो ऑडिटर है वो क्लियर करेगा कि उसका इंटरनल किसी भी मेंबर के साथ किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं है, वो इंडिपेंडेंट जो है वो काम कर रहा है.
The corporate governance voluntary guidelines suggest that the policy of rotation of auditors should be adopted, where an auditor partner should be rotated once every 3 years, whereas an audit firm may be rotated once every 5 years. तो ये उनके tenure पे लेके guidelines दी गई है. So ये था audit committee के बारे में, auditors के बारे में. नेक्स्ट हम देखते हैं अदर इंसिडेंटल मैटर्स. तो अदर इंसिडेंटल मैटर्स में आ जाता है सबसे पहले सेक्रेटेरियल ऑडिट. सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये सेक्रेटेरियल जो ऑडिट है वो क्या होता है. सेक्रेटेरियल ऑडिट इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी टू चेक देयर कंप्लायंस विद प्रोविजंस ऑफ ऑल एप्लीकेबल लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑन द कंपनी. इट इज अ कंप्लायंस ऑडिट. It is conducted by an independent professional, which are generally the practicing company secretary. It helps in recognizing all non-compliances and taking timely remedial steps. So, ये था कि secretarial audit क्या होता है. अब guidelines में secretarial audit के लिए क्या कहा गया है? So, the board ensures this that company may get the secretarial audit conducted by a competent professional. The board should give its comment on the secretarial audit in its report to the shareholder. तो guidelines में ये कहा गया है कि ये जो board है, board of directors होती है company की, वो ये ensure करे कि जो company की secretarial audit हुई है वो किसी competent professional के द्वारा की गई है. competent professional में आ जाते हैं practicing जो company secretary होते हैं, जो CS होते हैं. और बोर्ड शुड गिव इट्स कमेंट्स ऑन द सेक्रेटेरियल ऑडिट इन इट्स रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर्स. सेक्रेटेरियल ऑडिट में जो रिपोर्ट बनी है उसमें जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स है वो अपने कमेंट दें. नेक्स्ट है विसल ब्लोइंग. अब हम देखते हैं कि पहले विसल ब्लोइंग क्या होती है. सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि विसल ब्लोइंग क्या होती है. द टर्म विसल ब्लोअर ड्राइव्स फ्रॉम द प्रैक्टिस ऑफ इंग्लिश पुलिसमैन हु वुड ब्लो देयर विसल्स व्हेन दे नोटिस द कमीशन ऑफ अ क्राइम. The whistle would alert other law enforcement officers and the general public of danger. Corporate parlance mein whistleblowing kya hoti hai? In corporate parlance, whistleblowing is a mechanism for employees to raise a concern about wrongdoing occurring in an organization or body of people, such as suspected fraud or violation of the company's code of conduct or ethics policy. गाइडलाइंस में क्या कहा गया है विसल ब्लोइंग के बारे में. द गाइडलाइन सजेस्ट टू सेट अप विसल ब्लोइंग मैकेनिज्म टू ट्रैक फ्रॉड्स और वायलेशन अकरिंग इन द कंपनी. कि अगर किसी एम्प्लॉय को लगता है कि कंपनी में कुछ अगेंस्ट द लॉ चल रहा है, कुछ गलत एक्टिविटीज चल रही है, तो वो इसकी जो अगेंस्ट है वो आवाज़ उठाए. तो गाइडलाइंस में ये बोला गया है कि कंपनी में विसल ब्लोइंग मैकेनिज्म होना चाहिए. हाउएवर इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल टू हैव एडिक्वेट सेफगार्ड्स against victimization of employees who avail the mechanism. इसके साथ साथ guidelines में ये भी कहा गया है कि जो employees wrong activities के against जो है वो आवाज़ उठाते हैं, whistle blow करते हैं, तो उनकी safety का ध्यान भी company को रखना होगा. तो इस तरह का mechanism जो है वो company develop करे. So ये था whistle blowing. So last में to conclude, compliance with good governance practices should not be regarded as regulatory requirement, but rather as an opportunity and value proposition for organization. Investors all around the world notice companies with a clean governance, and this appreciation leads to higher valuation of such organization. The corporate governance voluntary guidelines is a benchmark for the corporate governance practices in the Indian incorporations, and hopefully the corporate world will make the best use of it. So learners, these are all about the corporate governance voluntary guidelines 2009. Exams में आपको जो long questions है उसमें corporate governance voluntary guidelines 2009 के बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है, right? So till the next session, bye and happy learning.